अक्सर अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले राजस्थान के कांग्रेस विधायक संयम लोढ़ा एक बार फिर चर्चा में हैं। विधानसभा सत्र के दौरान ऐसा लगा मानो संयम अपना संयम ही खो बैठे हों। तभी तो संयम ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे कहने के बाद वो खुद एक बार को सोच रहे होंगे कि मैंने क्या कह दिया। जी हाँ, संयम लोढ़ा ने खुद को और कांग्रेस के सभी नेताओं को गांधी नेहरू परिवार का गुलाम बता दिया है। जिस पार्टी के लिए हम और आप काम करते हैं उसके फैसलों को मानना, नेतृत्व के दिखाए रास्ते पर चलना तो हर पार्टी कार्यकर्ता और नेता का काम है, लेकिन किसी पार्टी का ना होकर किसी परिवार का गुलाम हो जाना, ये कैसा बयान है जो कांग्रेस विधायक ने दिया है। विधानसभा सत्र में हरिदेव जोशी, पत्रकारिता और जनसंचार यूनिवर्सिटी संशोधन बिल पर बहस के दौरान संयम लोढ़ा ने कहा कि सदन में अभी बीजेपी के विधायक विचार व्यक्त कर रहे थे तो ये कहा कि ये तो गांधी नेहरू परिवार के गुलाम है। हाँ, हम हैं गुलाम। जब तक हमारे शरीर में सांस है हम गांधी नेहरू परिवार की गुलामी करेंगे, क्योंकि इस देश का निर्माण गांधी नेहरू परिवार ने किया है। हाँ, हम हैं गुलाम और जब तक हमारे शरीर में सांस है हम गुलामी करेंगे, क्योंकि इस देश का निर्माण नेहरू का निर्माण किया। संयम लोढ़ा ने जब बीच विधानसभा में खड़े होकर इस तरह का बयान दिया तो इस पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ उठे और उन्होंने आपत्ति जताई। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि हे गुलामों, ये नई संस्कृति आई है, आपको बधाई हो गुलामी के लिए। ये गुलाम है, आप क्या समाज में संदेश देंगे? गुलाम अपनी बात नहीं कह सकता, ये इन्होंने खुद माना है। ये नई संस्कृति आई है, गुलाम आपको बधाई हो गुलामी के लिए, बधाई हो गुलामी के लिए। ये गुलाम है और क्या स्वीकार किया था, ये हो गुलामों। माननीय सदस्य, अब जब सदन में कांग्रेस विधायक की तरफ से कही गई बात ने इतना तूल पकड़ा तो फिर बीजेपी कहां पीछे रहने वाली थी। बीजेपी नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने भी इस पर मजे ले लिए। कहा कि मैं ये सोचता हूँ किसी व्यक्ति की गुलामी करना तो स्वाभिमान नहीं है और इसको स्वीकार भी नहीं किया जा सकता। इस तरह की बयानबाजी गिरावट की निशानी है। एक विचारधारा के प्रति गुलामी तो समझ आती है, व्यक्ति की गुलामी करने की प्रवृत्ति इसमें साफ नजर आ रही है। वहीं इस पर पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी का भी बयान सामने आया है। संयम लोढ़ा के बयान पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस के विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि मैं खुद और कांग्रेस के सभी नेता नेहरू गांधी परिवार के गुलाम हैं, ये गुलामी शुरुआत के कांग्रेस के दौर से चली आ रही है। अंग्रेजों के जमाने से गुलामी कर रहे हैं, अभी भी इनमें कोई सुधार नहीं हुआ है। सलाहकार बनकर कुछ नहीं मिला तो विधायक संयम फ्रस्ट्रेट है। विधायक संयम लोढ़ा फ्रस्ट्रेट है या फिर कांग्रेस नेतृत्व के बहुत बड़े वाले गुलाम है, ये तो वो ही बेहतर जानते होंगे। हालांकि वो तो अपने मुंह से ही खुद को गांधी परिवार का गुलाम बता रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पार्टी का तो कोई मतलब ही नहीं है, बस परिवार इनके लिए जरूरी है जो इनके मालिक है और संयम लोढ़ा उनके गुलाम। आखिर क्यों इस तरह से अपना संयम खो बैठे कांग्रेस विधायक संयम? संयम के गांधी परिवार के गुलाम होने वाले बयान पर आपके विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। हमें बताएं कि कांग्रेस के इस विधायक के इस बयान पर आप क्या कहना चाहते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है, कमेंट कर हमें अपने विचार जरूर बताएं। ये तो गांधी नेहरू परिवार के गुलाम है। हाँ, हम हैं गुलाम और जब तक हमारे शरीर में सांस है हम गुलामी करेंगे, क्योंकि इस देश का निर्माण नेहरू का निर्माण किया है। गुलामों, ये नई संस्कृति आई है, गुलाम आपको बधाई हो गुलामी के लिए और माननीय सभासद बधाई हो गुलामी के लिए। ये गुलाम है और क्या स्वीकार किया था, ये हो गुलामों। माननीय सदस्य,